फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 कितनी होगी। इसमें से हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। तो हम चेक करते हैं इसको सॉल्व करके। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। तो अगर इसको आप देखें तो इसको स्क्वेयर केवल हम देखते हैं, इसको स्क्वेयर करके करें, लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट मेथड है वो 5 को ब्रेक करेंगे। तो 5 को ब्रेक करेंगे हम 3 प्लस 2 में, 5 हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारे पास रूट 6, तो 6 है, 6 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके बनता है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ए स्क्वेयर बनाने के लिए हम रूट 3, जो 3 है इसको हम रूट 3 लिखेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर। इस तरह से 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 2ab, 2 इंटू हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो अगर आप इसको मैच करो तो ये बन जाएगा, देखिए ये हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वेयर 3 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वेयर जो है वो 2 हो जाएगा, और 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6 जो अंडर रूट 2 जो अंडर 6 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हमारी बन गई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, जो होती है ए प्लस बी होल स्क्वेयर, जिसमें ए हमारे पास अंडर रूट 3 है, बी हमारे पास रूट 2 है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वेयर, और साथ में हमारे पास स्क्वेयर रूट भी है, स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट खत्म हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये इसका आंसर है। तो हम इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन कौन सी है इसमें से। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन है, इसमें ये इसका आंसर है। थैंक यू।